बंद रेप के आरोपी नारायण साईं का नया पैंतरा सामने आया है। नारायण साईं ने यूपी में चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है। यूपी से चुनाव लड़ने का पूरी कोशिश किया जा रहा है और जब पार्टी आगे बढ़े। आसाराम का बेटा नारायण साईं उत्तर प्रदेश की दो सीटों से चुनाव लड़ना चाहता है। सूरत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में उसने अर्जी दी है। नारायण ने कहा कि वो अपनी ओजस्वी पार्टी के बैनर तले गाजियाबाद के साहिबाबाद और वाराणसी की शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। इसके लिए उसे जमानत चाहिए। नारायण साईं ने टेम्पररी बेल अपने को इलेक्शन में खड़ा होने के लिए बेल दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि नारायण साईं ओजस्वी पार्टी का संस्थापक है। ओजस्वी पार्टी कुछ और उम्मीदवार उतारना चाहती है। नारायण साईं को चार हफ्ते के लिए जमानत दी जाए। साईं यूपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहा है? पूरी कोशिश किया जा रहा है ओजस्वी पार्टी आगे बढ़े। आसाराम की शिष्या से रेप के आरोप में नारायण साईं दिसंबर 2013 से सूरत की जेल में बंद है। जमानत की याचिका पर कोर्ट में 21 जनवरी को सुनवाई होगी। आनंद पाठक, सूरत, इंडिया न्यूज। नारायण साईं रेप के आरोप में दिसंबर 2013 से ही जेल में बंद है, जबकि आसाराम को सितंबर 2013 से जेल में रखा गया है। आसाराम ने बीमारी का इलाज कराने के नाम पर कई बार जमानत की अर्जी दी है। उनकी अर्जी सुप्रीम कोर्ट तक से खारिज हो चुकी है। अब नारायण साईं ने चुनाव लड़ने के नाम पर जमानत मांगी है। उनकी ओजस्वी पार्टी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हुआ है। नारायण साईं 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहता था, लेकिन रेप का आरोप लगने के बाद ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद बिग बॉस के बवाली बाबा ओमजी महाराज को ओजस्वी पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि ओमजी ने हिंदू महासभा के बैनर तले दिल्ली का चुनाव लड़ा था। अंदर की बात यह है कि नारायण साईं ने पहले अपने पिता आसाराम की जमानत के लिए ओजस्वी पार्टी को ढाल बनाने की कोशिश की और अब अपनी जमानत के लिए ओजस्वी पार्टी से यूपी में चुनाव लड़ने का ढोंग कर रहा है। नारायण साईं को जमानत के लिए और कोई बहाना सूझ नहीं रहा है। रेप केस में गवाहों की हत्या और उन पर जानलेवा हमलों के बाद नारायण साईं को अंदाजा है कि उसे आसानी से जमानत नहीं मिलने वाली। रहा सवाल चुनाव लड़ने का, तो ओजस्वी पार्टी का नाम लोगों ने रेप केस में आसाराम की गिरफ्तारी के बाद ही सुना और 2013 से आज तक एक भी चुनाव में ओजस्वी पार्टी ने एक भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है।